भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के साथ ही पीएम मोदी ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नरेंद्र मोदी देश में 60 साल बाद ऐसे पीएम बनने जा रहे हैं जो तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीता था। पीएम मोदी की ये जीत बेहद खास है। वो अपने थर्ड टर्म में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले चुके हैं। अब देखना ये होगा कि अगले 100 दिनों में मोदी सरकार किन बड़े मुद्दों पर काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आइए अब हम वो राज्य जिन पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहां मध्य प्रदेश, 29 में से 29 सीटें बीजेपी ने हासिल की है। इसके बाद बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर कुल 7 सीटें और यहां पर भी क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी ने 7 सीटें हासिल की है। अब बात करते हैं देखिए उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, तो 5 सीटें यहां पर बीजेपी ने एक बार फिर से अपने खाते में ले ली हैं। तो वहीं अब देखिए हिमाचल प्रदेश की 4 में से 4 सीटें एक बार फिर से बीजेपी ने अपने खाते में ले ली हैं। तो ये वो राज्य हैं। देखिए अब अरुणाचल प्रदेश में मात्र 2 सीटें हैं और यहां पर भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 2 सीटें अपने खाते में ले ली हैं। तो ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। त्रिपुरा में 2 सीटें, दोनों सीटें अपने नाम कर ली है बीजेपी ने। तो ये वो राज्य जहां पर बेहतर प्रदर्शन किया है। अंडमान निकोबार में देखिए 1 में से 1 सीट बीजेपी ने अपने नाम कर ली है। और इसके बाद आगे बढ़िए, अंडमान निकोबार के बाद ये देखिए अब बात करते हैं, क्योंकि एनडीए के पक्ष में ही इस बार नतीजे तो आए हैं लेकिन उम्मीद पर खरे नहीं पूरी तरीके से उतरे हैं, क्योंकि जहां नारा दिया जा रहा था 400 पार का, लेकिन विश्वास, विकास और मोदी की गारंटी में आखिर ऐसी क्या कमी रह गई जिस वजह से नतीजे उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देश की जनता ने एक बार फिर से एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया है। हालांकि यूपी, बंगाल समेत कई राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी अपने बूते बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर है। पार्टी के प्रदर्शन का असर पीएम मोदी के जीत के भाषण में भी देखने को मिला। परिणामों के बाद पीएम जब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो उनकी आवाज और चेहरे में परिणामों का असर दिखाई दे रहा था।